आज काफ़ी दिनों के बाद एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़े हैं और जुड़े हैं आज कौन सा चैप्टर लेकर, परसत्ता का चैप्टर। परसत्ता का आप पहला जो पार्ट है वो देख चुके हैं, जिसमें आपने 1 से 47 तक के क्वेश्चनों को देखा था। आज उससे आगे क्वेश्चनों को जारी करेंगे और यहाँ पर इस चैप्टर को धीरे धीरे हम पूरा करेंगे। ये जो लंबा गैप रहा उसका जो कारण रहा सबसे बड़ा वो क्या रहा, वो ये रहा कि भाई पहले चुनाव ड्यूटी रही, उसके चलते समय नहीं मिल पाया वीडियो को बनाने का, और साथ साथ उसके बाद कहीं ना कहीं कोरोना ने पीक पकड़ा और लगभग यहाँ पर ज़्यादातर जो व्यक्ति रहे हैं उनमें हम भी रहे हैं कि बुखार तो कम से कम आ ही गया, अगर कोरोना भी नहीं हुआ तो बुखार से तो मुलाकात हो ही गई, तो उसके चलते तबीयत थोड़ा नासाज रही, उसके चलते यहाँ पर हम आपकी क्लास नहीं ले पाए। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ों को करते हैं, वापस स्टैंड पर लाते हैं और ये जो चैप्टर बचे हुए हैं आपके आर एस अग्रवाल के उनको पूरा कराते हैं। लेकिन सबसे पहले जो परसत्ता का चैप्टर है उसे पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने एक आपके लिए मैजिक लाइन लिखी है, मैजिक लाइन लिखी है, और ये मैजिक लाइन क्यों है, क्योंकि ये लगभग आपके परसत्ता के 20 क्वेश्चनों को डायरेक्ट करा देगी इस चैप्टर के। कैसे, 16 सही 2/3% लिखा गया, उसके बाद 20, उसके बाद 25, उसके बाद 33 सही 1/3, उसके बाद 50 और फिर 100% लिखा गया है। देखिए ये जो है चिन्ह लगाया हमने, ये क्या है, दोनों तरफ काम करेगा। अगर परसत के बाद जैसे उसने लिखा कि 20% की कमी, 25% की कमी या 25% की वृद्धि, अगर कमी आ रहा है तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, और अगर वृद्धि आ रहा है परसेंटेज के बाद तो हम पीछे की तरफ बढ़ेंगे। हालांकि मैं इसे फॉर्मूले के द्वारा भी कराऊंगा इन क्वेश्चनों को, और इसे डायरेक्ट भी कराऊंगा और साथ साथ कई अन्य तरीके से भी कराऊंगा, लेकिन जिन क्वेश्चनों को आप, ये उन बच्चों के लिए बताई है बात जो बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहते, वो कम से कम ये लाइन याद कर लें और याद कर लें ये चीज़। क्या भाई, एक 10% वाला बहुत आता है, 10% वाला क्वेश्चन बहुत आता है। अगर 10% के बाद क्वेश्चन में कमी लिखे गए हैं तो आप 11 से 1/9 उत्तर लगा सकते हैं, और वृद्धि लिखा गया है तो 9 सही 1/11 उत्तर लगाते हैं। चलिए क्वेश्चनों से बात समझेंगे, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 लेते हैं। 48 पे क्वेश्चनों को मैं कई तरीके से कराने की कोशिश करूँगा, आपको जो भी आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। जैसे यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो यहाँ पर आपको बताना है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए अगर आपको फॉर्मूले से करना है तो प्रतिशत वृद्धि या कमी निकाल ली जाती है, वृद्धि या कमी निकाली जाती है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, परसेंटेज गुणा 100/100 प्लस माइनस परसेंटेज। अब प्लस माइनस का मतलब क्या है, अगर जो परसेंटेज दी गई है क्वेश्चन में, जो परसेंटेज क्वेश्चन में दी गई है उसके बाद वृद्धि लिखा है तो आपको प्लस लगाना है अपॉन में, और अगर कमी लिखा है तो माइनस लगाना है। जैसे यहाँ पर 10% की बात करी है, जैसे 10% की बात करी है, 10% अधिक है तो ऊपर तो परसेंटेज 10 गुणा 100 और अधिक है तो जोड़ दो भैया 110, 0 0 गया तो 100/11 का मतलब 11 निम्न 99, 9 सही 1/11% उत्तर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये होगा। दूसरा तरीका ये होगा, देखो क्या कि अगर यहाँ पर परसेंटेज के बाद में क्या आया, वृद्धि, और वृद्धि के लिए क्या था, डायरेक्ट मैंने बताया कि 9 सही 1/11 आपको निशान लगाना, कुछ नहीं करना। पहली बात, पहला तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका आपने यहाँ से करा, और तीसरा क्या है कि ये लिखें जी, उसने कहा ए की आय बी की आय से, क्या कहा उसने, कहा कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, मतलब ये से 100 है तो ये भैया कितना है, 110 है। ठीक, तो उसने कहा तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। अब यहाँ पर कितनी कम है, ये 10, अब परसेंटेज कमी देखना है तो 10 गुणा 100/, अब अगर कमी देखोगे तो अब जो बड़ी वैल्यू है वो अपॉन में रखी जाएगी, कमी देखोगे तो जो बड़ी वैल्यू है वो अपॉन में रखी जाएगी, और अगर जो है वृद्धि देखोगे तो जो छोटी वैल्यू है वो अपॉन में रखी जाएगी। हल करेंगे फिर भी वही आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 की अगर हम बात करें भाई क्या है वो भी देख लेते हैं, डायरेक्ट कराने की कोशिश करेंगे। यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने परसेंट कम है। देखो 25% के बाद क्या लिखा, अधिक,
अधिक लिखा है, 25% के बाद क्या लिखा अधिक, तो वापस आ जाओ 20% उत्तर आया डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर आपको हल ही करना है तो हल कैसे करेंगे भाई, परसेंटेज वृद्धि है कमी जो भी है, अब यहाँ पर सबसे ऊपर अभी मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया था, परसेंटेज गुणा 100 बटे 100 प्लस माइनस परसेंटेज, तो यहाँ पर 25% है तो 25 गुणा 100 बटे 125, तो 25 पंजे 125 और 5 से काटा तो 20 पंजे 100, देखिए 20 आंसर आपका डायरेक्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर हम बात करें, 50 में क्या है, ए के आई बी के आई से 30% अधिक है, अब देखिए 30% हमारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, 30% अधिक है, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं आपको, 30 गुणा 100 बटे 130 कर दो भैया, 0 0 गया, आया कितना 300 बटे 13, 13 से भाग करेंगे कितना आया भाई, 13 दुनी 26, कितने बचे 4, 40 हो गए, 13 3 39, तो 23 सही 1/13% आपका क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 50 का उत्तर आया। 51 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, कितनी अधिक है 60% अधिक है, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं, 60% अधिक है, तो 60 गुणा 100 बटे क्या लिखेंगे भैया 160, अब देखो 20 थी 60 और 20 अट्ठे 160, अब इसे काट दो 4 से 25 और इसे 4 से काट दो 4 दूनी 8, तो 75/2 का मतलब 37 दूनी 74, 37 सही 1/2% इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखो कुछ भी नहीं है, अगर आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद है तो आप कर देंगे, और अगर ये वाली वैल्यू आ रही जो सामने लिखी हुई है तो भी आप बड़ी ही आसानी से कर देंगे। ये हुआ 51वां क्वेश्चन, 52वें क्वेश्चन पर आ गए हैं, और 52वां क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। x y से 10% अधिक है तो y x से कितने परसेंट कम है, 10% अधिक है, अधिक है तो उत्तर क्या आना भैया 9 सही 1/11% आंसर लिखो डायरेक्ट, ठीक है। या आप कर सकते हैं जो फॉर्मूला मैंने बताया, परसेंटेज गुणा 100 बटे 100 प्लस माइनस x, या परसेंटेज तो यहाँ पर जो अपॉन में लिखा जाएगा, देखिए क्या लिखा यहाँ पर उसने लिखा कि 10% अधिक है, अधिक का मतलब वृद्धि, तो अपॉन में 110 लिखना बस आपको, 10 गुणा 100 बटे 110 तब भी आ जाएगा। 53वां क्वेश्चन, यदि ए के आई बी के आई से 20% कम है आगे बढ़ जाओ, 20% कम है तो कितना आ गया भैया 25% डायरेक्ट आंसर, 25% क्या आया 25%। 54वां क्वेश्चन, ए के आई बी के आई से 25% कम है, 25% कम है आगे बढ़ जाओ, 33 सही 1/3% आंसर आएगा, कैसा आएगा देखो इसे करके दिखा देता हूँ मैं एक बार, कितना 25 गुणा 100 बटे कम है तो घटा दो, 100 में से 25 गए कितने आए 75, 25 थी 75, तो हल करेंगे 33 सही 1/3% बनेगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, 55वां है ए के आई बी के आई से 50% कम है, 50% कम है तो डायरेक्ट उत्तर कितना आ गया भैया 100% डायरेक्ट 100% लिखो। 56वां क्वेश्चन देखो भाई क्या है, ए का 60%, क्या कहा उसने ए का 60%, क्या कहा ए का 60% बराबर है बी का 3/4, तो ए का 60% का मतलब गुणा 60/100 बराबर बी गुणा 3/4, 20 से 60 20 50 100, 3 से 3 गया तो ए अनुपात बी बराबर 5:4, ये आंसर बन जाएगा किसका, क्वेश्चन नंबर 56 का। तो बड़ा आसान था ठीक है, अनुपात बताना था ये भी बता दिया आपने, बहुत ही आसान चैप्टर है परसेंटेज, अगर आपकी समझ में आ जाए और ना आए तो भाई फिर ये खेल बिगाड़ देगा, और आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेगा आपको और हम पढ़ा रहे हैं आपको उसी हिसाब से है जिससे कि आपकी समझ में भी आ जाए। कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ साथ आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, हम वहाँ अपनी समस्या पूछ सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, संख्या का 2/5 कितना होगा, 740 का 35% क्या है भैया एक संख्या से 34 अधिक है, तो संख्या को अगर घटा देंगे तो ये कितना आएगा भैया 34, तो 740 गुणा का मतलब गुणा 35% हटाना 16 लगाना,
इसको इधर ले जाओ भाई 34 को, संख्या को इधर ले जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, 1 0 से 1 0 भाई, 2 से काट दो भाई, 37 दूनी 74, और 2 से काट दिया 2 5 10, 5 से काट दिया 5 7 35, 7 7 49 को 9 का हासिल को 4, 7 3 21 और 4 25, तो कुल मिलाकर जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी भाई, 259 में से 34 घटा दो तो कितनी बचेगी, 225। लेकिन संख्या नहीं निकालनी थी हमें, निकालना था क्या भैया, संख्या का 2/5 का मतलब गुणा 2/5, तो 225 का 2/5, 5 से भाग कर हमने 5 4 20, 5 5 25, ठीक है, और 45 दूनी कितने होते हैं भैया, 90, कितने होते हैं 45 दूनी 90। तो क्वेश्चन नंबर 57 है, उसका आंसर कितना बना, 90 यहाँ पर आंसर बन गया है। चलिए अब इस लाइन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है तो इसे भी कर देते हैं हम साफ, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बढ़। क्या है, किसी वस्तु का क्वेश्चन नंबर 58 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 58 क्या है भाई, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो मूल्य वृद्धि किस एक मूल्य वृद्धि के बराबर है, दो बार वृद्धि करी हमने, ठीक है। देखिए हमने मान लिया पहले 100 थी, 100 में 10% की वृद्धि करेंगे सीधा 110 आ जाएगा, फिर इसमें 10% की वृद्धि करो, 110 का 10% निकाल गया तो इसमें जोड़ दो, 110 का 10% निकालेंगे 11 है और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 121, मतलब 100 जो अब 21 हो गया, तो इसका मतलब 21% की क्या आई, वृद्धि आई, कितनी आई 21% की वृद्धि। जिनकी बात समझ में नहीं आई वो क्या करें, शुरू में ले लें हम वैल्यू थी 100, 10% की वृद्धि हुई तो एक तो 10/100 कर दो, फिर एक बार 10% की वृद्धि 110/100 कर दो, कैंसिल कर दो भाई, कितना आया 121। अब देखो 100 का माल कितने का हो गया, 121 का, मतलब 21% की वृद्धि हो चुकी है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 58 को, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59 को, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 59, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि और उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई है, अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो तो आपको बताना है। देखिए पहले 10% की वृद्धि करी, फिर उसने 20% की वृद्धि करी, या तो ये ऐसे करो भाई कि 100 शुरुआती वैल्यू 100 मान लो, 100 में 110 की वृद्धि, फिर 20 की वृद्धि, तो कितना आया 2020 गई, 2020 गई 12 11 132, ठीक है जी। इसका मतलब अगर बाद वाली वैल्यू 132 है, जो इसने कितनी दी है क्वेश्चन में, इसने दी है 33, तो प्रारंभिक वैल्यू कितनी थी भाई 100, वो निकालनी है आपको, तो 33 चौका कितने हो गए भाई 132, 4 7 8 25, इसका मतलब संख्या कितनी आ गई भाई, संख्या आई आपके 25, ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट कि पहले 10% की वृद्धि करी 110, फिर 20% की वृद्धि करी 120, और बराबर किसके हैं, बराबर जो अंतिम वैल्यू है उसके हैं, मतलब 33 के, जितने परसेंटेज यहाँ पर लिखे गए हैं, जितने परसेंटेज यहाँ पर लिखे गए हैं उतने ही 100 लिख दो और हल कर दो, बस वो संख्या के बराबर आ जाएगी, वो प्रारंभिक संख्या के बराबर आ जाएगी, 20 से 20 कैंसिल होगी भाई, ठीक है भाई। अब यहाँ 11 3 33, 3 6 12 और 4 7 8 25 बार, इसका मतलब जो संख्या बनी है वो कितनी बनी भाई 25, तो इस तरह से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 को मैंने दोनों तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया है, कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 60 को देख सकते हैं। 60वां क्वेश्चन क्या है भाई, देखो 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे, बट्टे का मतलब छोट छोट का मतलब कमी, बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर कमी करनी है तो 20% की कमी करनी है तो 80/100 कर दो, फिर 5% की कमी करनी है तो 95/100 कर दो, 20 20 गई, 20 4 80, 20 5 100, 5 8 19 और 19 4 आ गया भाई 76, मतलब 100 का माल अब 76 का रह चुका है, तो किस, अगर हम ये दो छूट ना देंगे भाई, 100 रुपये लिखा हुआ था किसी चीज़ पर, पहले 20% की छूट दी, 20 रुपये की छूट दी, और फिर 5% की छूट दी, तो कुल मिलाकर जो ग्राहक को मिल रहा वो 76 मिल रहा। अब वो ये कह रहा कि ये दो छूट ना देखे, एक ही छूट दे, तो 100 का माल हमें 76 में बेचना, तो कितने परसेंट की छूट देनी पड़ेगी, 24% की हमें छूट देनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं भाई, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए
तो कुल वृद्धि कितने परसेंट की होगी? देखिए दो बार वृद्धि है तो 100 गुणा 120 बटे 100 गुणा 120 बटे 100 कर दो भाई, बड़ा आसान है। 2020 2020 2020 तो कितना है, 12 का वर्ग 144 होता है भैया, तो 100 का माल 144 में जा रहा है, इसका मतलब 44% की यहाँ पर क्या है भैया, वृद्धि है। क्या है? 44% की यहाँ पर वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई है, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने के लिए उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि? देखिए 10% के लिए मैंने पहले ही बताया, 10% के लिए दो चीज़ बताई थी, क्या भाई, कमी और वृद्धि, ठीक है जी। कमी के लिए बताया था 11 से 1/9 और वृद्धि के लिए बताया था 9 से 1/11, ठीक है। अब परसेंटेज के बाद देखो क्या आया, कमी आया, तो ये उत्तर लगाओ भाई, ये उत्तर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद आया 63 का, कौन सा क्वेश्चन नंबर 63, क्या कह रहा भाई, जोसेफ सॉरी एक संख्या में से 600 के 75% का दो तिहाई घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है, मूल संख्या बतानी है। उसने कहा एक संख्या में से 600 के 75% के दो तिहाई को घटाने पर 320 प्राप्त होता है, तो यहाँ कितना आया भाई, संख्या माइनस 600 गुणा 75/100 गुणा 2/3 बराबर 320। 25 से 75 25 चौका 100, 3 से 3 घटा भाई, 2 दूनी 4, 2 से 8 दिया 300 बार घटा, कुल मिलाकर जो संख्या बनी वो कितनी आएगी भाई, 320 में आप 300 और जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर 620 क्या आ जाएगी भैया, संख्या आ जाएगी, और यही आपका क्या होगा भैया, आंसर भी होगा। किसका? क्वेश्चन नंबर 63 का। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उसकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। 2% है, एक बार 30% की कमी है, दूसरी बार 40% की वृद्धि है, तो यहाँ पर जो है ये बताना है विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 100 गुणा पहले 30% की कमी फिर 40% की वृद्धि, कमी के लिए 100 में जोड़ दिया वो घटा दिया और वृद्धि के लिए जोड़ दिया, ठीक है भैया। 2020 गई 1498 कुल मिलाकर 100 का माल 98 में जा रहा, तो 2% की क्या हो रही है भैया, कमी हो रही है। अगर 100 से कम आ रहा तो कमी है, सीधा सा हिसाब है, 100 से ज़्यादा आ रहा तो वृद्धि है। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है भाई, चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर किसी परिवार की चीनी की वार्षिक खपत कितने परसेंट कम करनी चाहिए कि परिवार का खर्च ना बढ़े? 40% की वृद्धि हो रही है तो 40 गुणा 100 बटे 140 करना पड़ेगा, 20 दूनी 40 20 सत्तर 140, तो कुल मिलाकर 200 बटे 7, 7 दूनी 14, बचे कितने 6, 60 हो गए, 7 8 56 बचे 4, तो कुल मिलाकर 28 सही, 4/7 जो है वो आपका क्या बन जाएगा भैया, आंसर बन जाएगा किसका, क्वेश्चन नंबर 65 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 66। 66वां क्या है भाई, किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत में कितने परसेंट की कमी की जाएगी? 20% की वृद्धि, शुरू में एक मैजिक लाइन लिखवाई थी 20% की वृद्धि, वृद्धि के लिए पीछे हटना था 16 सही 2/3 पर आना था, और ये आंसर है, ठीक है। अगर आपने वो लाइन नहीं देखी है तो 10 मिनट पहले वीडियो पर जाइए, आपको वो लाइन मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखें, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकती है, चीनी का घटा हुआ मूल्य क्या है, मतलब नया भाव, घटा हुआ भाव क्या है, घटा हुआ भाव देखिए, घटा भाव, बड़ा भाव या नया भाव, में से कुछ भी आ रहा हो सभी के लिए एक ही चीज़ है, एक ही बात है तीनों की, क्या है, परसेंटेज गुणा रुपये बटे 100 गुणा कितना यहाँ पर किलोग्राम या वस्तु, ये लगेगा।
और पुराना भाव घटने से पहले भाव, बढ़ने से पहले भाव, ये बात करी गई है। तो परसेंटेज गुणा रुपये बटे किलोग्राम तो या वस्तु तो सेम है, यहाँ पर केवल 100 प्लस माइनस परसेंटेज लगाना है। परसेंटेज के बाद में अगर वृद्धि आ रही है तो प्लस लगा देना आप बटे में, और अगर कमी आ रही है तो माइनस लगा देना। अब जैसे यहाँ पर नया भाव चाहिए हमें, ठीक है, अब परसेंटेज कितनी है भाई, आप देख सकते हैं परसेंटेज है 10%, रुपये हैं 1116, 100 गुणा किलोग्राम कितने हैं 6.2 किलोग्राम। अब एक जीरो से एक जीरो गई और एक जीरो से एक पॉइंट गया, कुल मिलाकर 1116/62 आया। अब 1116 को 62 से कर दिया भाग, तो भाई 62 कम 62 कितने बच गए, 11 में से 2 गए 9, और यहाँ पर 4 बचे, और कुल मिलाकर अगर 8 बार मानी चला दो तो 8 दूनी 16 और 8 से 48 और 49, और ये आ गया 18 रुपये प्रति किलोग्राम जो है वो क्या आया, नया भाव। तो इन दोनों फॉर्मूलों को याद रखना आपको, इन दोनों का रट्टा मार दो भैया, ठीक है। तो ये जो है आपके लिए भविष्य में बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 की। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 68 क्या है वो देख लेते हैं। किसी वस्तु पर 10% कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, तो इस वस्तु के उपभोग में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। 10% की कमी, 10% की कमी और वृद्धि के लिए मैंने बता दिया है, तो क्या करना है, 11 से 1/9% आ गया डायरेक्ट आंसर, कितना आया 11 से ही 1/9। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर आ गया। 69वां देखो भाई क्या है। यदि जल कर में 20% की वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कितने परसेंट की यहाँ पर कमी अथवा वृद्धि होगी। देखिए एक बार वृद्धि है एक बार कमी है, तो 100 गुणा पहले क्या है वो देख लेते हैं, वृद्धि है तो 120/100 कर दो जी, फिर कमी है 80/100 कर दो जी, यहाँ पर हल करा हमने, ठीक है जी, 12 8 96 कुल मिलाकर कितना आया 4% की कमी। अच्छा एक बात का ध्यान रखना कि कभी भी अगर एक बार परसेंटेज वृद्धि एक बार कमी है तो हमेशा कमी होती है, और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं जितने परसेंट हैं उसके वर्ग बटे 100 की कमी होती है, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना काम ना जोड़ गए, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, तो 4% की कमी आ जाएगी आपकी, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 69 की जहाँ तक बात है, 70वें क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती कर दी गई है, इसे पूर्व मूल्य पर लाने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि। 20% की कटौती मतलब कमी, तो कमी के लिए क्या बताया था मैजिक लाइन में, आगे बढ़ना, तो 25% है भाई, इससे आगे 20 से आगे क्या आया था 25, पहले 16 से ही 2/3, फिर 20, फिर 25, फिर 33 से 1/3, फिर 50 और फिर 100, इस तरह से याद करेंगे आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। कमी के लिए आप आगे बढ़ जाएं और वृद्धि के लिए आप पीछे हट जाएं, ठीक है जी, आप जो है इस लाइन को बिल्कुल रट्टा मान लें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 71वां है, किसी वस्तु पर दलाली की दर 4 से बढ़ाकर 5% होने पर भी दलाली की आय अपरिवर्तित रहती है। पहले 4% दलाली मिल रही थी, अब 5% मिल रही, लेकिन जो क्या है भैया कि वो आय परिवर्तित है, क्या उसकी आय जो है पहले भी जितने रुपये थी उतनी ही अब है, उसके व्यापार में कितने परसेंट की कमी आई। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1% की वृद्धि हुई, तो 1 गुणा 100 बटे वृद्धि किस पर हुई थी, 5 पर, लेकिन अब उसे कमी करनी, व्यापार में कमी करनी, ठीक है, यहाँ पर क्या कहा इसने, दलाली तो बढ़ी लेकिन व्यापार में कमी करनी, तो कुल मिलाकर कमी किस पर होगी 5 पर, ठीक है जी। अब 5 पर कमी होगी तो यहाँ पर कितना आया भैया 20% आ जाएगा आपका उत्तर, या तो इस तरह से कर लो या फिर इस तरह से कर सकते हो। देखिए पहले 4% की उसकी दलाली थी, अब 5% की उसकी दलाली है, पहले 4% की दलाली थी अब 5% की, लेकिन आय सेम है, आय सेम है, तो देखिए इसे 100 बना लो आप, इसे कितना बना लो 100 बना लो, ठीक है, तो यहाँ पर 100 बनाने के लिए इसे किससे गुणा करनी पड़ेगी हमें 20 से, किससे गुणा करनी पड़ेगी 20 से, अब तो 20 से दोनों तरफ अगर गुणा करें तो यहाँ पर 20 चौक 80 और यह आया 20 15 100, तो कितने की कमी आ रही, कितने कमी आ रही 20% की, और यही डायरेक्ट आपका आंसर है, इस तरह से भी आप कर
कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 71 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 72, 72वां क्या है भाई, पटसन के भाव में 20% की कमी होने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल हो जाता है प्रारंभिक भाव। बड़ा आसान है, 20% की कमी हुई तो मतलब 80% और 80% ये बता रहा 800 को, तो 100% किसे बता रहा भैया, भाव जो है आपका मतलब वो हो जाएगा आपका कितना, 1000, 1000 रुपये प्रति क्विंटल उसका भाव था कब, कमी से पहले, प्रारंभिक भाव उसका 1000 रुपये प्रति क्विंटल था। 73वां है, खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपने तेल की खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी कि इस मद पर खर्च न बढ़े। क्या है 25% की वृद्धि, और 25% की वृद्धि के लिए वापस आना है तो 20% आएगा पीछे आने पर। 74वां क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या है, किसी वस्तु पर 20% की वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% की कमी कर दी गई है तो कुल जो है कर प्राप्ति कितनी है, कितने परसेंट की कमी है वृद्धि है। देखें परसेंटेज समान है तो आपको मैंने पहले अभी बताया थोड़ी देर पहले ही कि अगर परसेंटेज समान है तो जितने परसेंटेज है उसके वर्ग बटे 100% की हमेशा कमी होती है, 400/100 मतलब 4% की यहाँ पर कमी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम 75 की तरफ। ठीक है भाई, देखें भाई 75वां क्या है, क्वेश्चन नंबर 75 है, एक दुकानदार 45 रुपये में काफ़ी बेचता है और 4% का लाभ कमाता है, यदि वह पेंसिल 80 रुपये में बेचता है तथा इस पर 20% लाभ कमाता है तो वह प्रतिदिन 10 कापी और 6 पेंसिल बॉक्स बेचे तो 2 सप्ताह में कितना धन कमाएगा। देखिए दो चीज़ है, एक तो है कापी और एक है पेंसिल बॉक्स। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखिए कापी कितने रुपए की एक है, 45 रुपए की है, यहाँ पर अगर बात करें 45 की है। ठीक है भाई, इसके बाद यहाँ पर एक दिन में कितनी कापी दे रहा, 10। दूसरी तरफ आ जाओ, पेंसिल बॉक्स कितने का है, 80 का, और एक दिन में कितने पेंसिल बॉक्स दे रहा है, 6। अब उसके बाद उसने कहा 2 सप्ताह, 2 सप्ताह का मतलब 7 × 2 = 14, 14 दिन तक ये सामान बेचा उसने, 14 दिन तक ये सामान बेचा, कुल मिला के ये बात है। अब इसकी गुणा करें अगर हम तो 0 तो आई गई भाई, 14 × 5 = 70, 7, 14 × 4 = 68, 68 और सॉरी 14 × 4 = 56, 17 × 4 = 68 हो गया भाई, 14 × 4 = 56, 56 और यहाँ पर कितने बच रहे थे हासिल को, 7, 56 और 7 हो गया 63, ये तो 63 तो आया भैया, एक 0 लगाओ यहाँ पर, 8 × 6 = 48, तो 48 की गुणा 14 में कर दो, 14 × 8 = 112, 11 आया, और 14 × 56 = 11, 56 और 11 कितना हो गया भाई, 56 और 11 हो गए 67, कुल मिलाकर ये 6300 का माल है और ये है आपका कितना, 6720 का। ठीक है, अब यहाँ पर हमें निकालना है क्या, लाभ, क्या निकालना है, लाभ, अभी हमें लाभ निकालना है केवल। अब लाभ निकालने के लिए क्या है, जो कापी है वो 4% लाभ पर, इसका मतलब इसका तो निकाल दो आप 4%, और जो पेंसिल बॉक्स है उस पर कितना 20% का लाभ, उस पर कितना 20% का लाभ है, और बस ये लाभ निकालते ही आपका आंसर आ जाएगा। देखो भाई कितना आया, 4 × 3 = 12, 1 × 6 = 24 और 1 = 25 आया भाई यहाँ पर, 2 × 2 = 4, 7 × 2 = 14, 6 × 12 = 13, सबको जोड़ देंगे तो आया 6, 4 × 2 = 6, 4 × 5 = 9, 3 × 2 = 5, 1596 रुपये का यहाँ पर लाभ है, और यही किसका, क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं, क्या है भाई, अमन का खर्च विमल के घर से 30% अधिक है। क्या है, अमन का खर्च विमल के घर से 30% अधिक है और विमल का खर्च रमन के घर से 10% कम है। यदि तीनों के खर्च का योग 6447 हो तो अमन का खर्च कितना होगा। देखिए तीन बच्चे हैं ये, एक है अमन, दूसरे का नाम जो है वो है भैया विमल, और तीसरे का नाम जो है वो है रमन। ठीक है भाई, तीन दोस्त हैं, क्या है,
अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% ज़्यादा है, लेकिन विमल का खुद का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। मतलब रमन अगर 100 रुपये खर्च कर रहा है तो ये 90 रुपये ही खर्च कर रहा, कौन? विमल, ठीक है। और इसने क्या कहा कि अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% ज़्यादा है। अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% ज़्यादा, मतलब अगर मैं 30% निकाल कर इसका और इसी में जोड़ दूँ, अगर 30% निकालूंगा तो कितना बनेगा भाई, 9 या 27 में जोड़ दो तो 117 खर्च जो है वो अमन कर रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा खर्चीला कौन है? अमन है। अमन ने 117 रुपये खर्च करे तो विमल ने 90 और रमन ने 100 रुपये खर्च करे, और यही इनका अनुपात आ जाएगा, ठीक है। अगर टोटल की बात करूँ तो कितना हो गया भाई, 7, 1 और 9, 1 और 9, 10 की जीरो हासिल को 1, 1 और 1, 2 और 1, 3 307 टोटल रुपये लगाए जाएंगे अगर अमन 117 रुपये खर्च कर रहा, विमल 90 रुपये और रमन 100 रुपये खर्च कर रहा, और टोटल जो दे रखा 6,447 दे रखा। कितना दे रखा? 6,447। अमन का खर्च पूछ लिया भैया, अमन का खर्च पूछ लिया तो 117 बराबर किसके आ जाएगा भैया? अमन के आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे ही हम इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा भैया 2,457 रुपये, क्या जाएगा? अमन का खर्च आ जाएगा। कितना? 2,457 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। नेक्स्ट क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 78, क्या है भाई? पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी जिससे उसका जो है पेट्रोल खर्च न घटे। देखिए 10% वाले के लिए मैंने दो चीज़ें बताई हैं, ठीक है, एक कमी के लिए बताई है और दूसरी बताई है वृद्धि के लिए। अगर परसेंटेज के बाद कमी है तो उसका जो उत्तर है वो 11 से 1/9% बनता है, और अगर वृद्धि है तो 9 से ही 1/11% बनता है। अब यहाँ क्या है, परसेंटेज के बाद कमी है तो कमी के लिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 11 से ही 1/9 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 79, क्या है भाई? एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये थी जब उसका मासिक व्यय 9,000 रुपये था। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि और व्यय में 7% की वृद्धि हुई है, उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? देखिए व्यक्ति कोई भी हो उसकी ज़िंदगी में तीन ही चीज़ चलती हैं भैया, तीन ही चीज़ चलती हैं, आय व्यय और बचत। हर आदमी चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा कमाई की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाए, खर्चा करने वाले तो कम ही मिलेंगे, कंजूस ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आय व्यय और बचत की बात करते हैं। देखिए आय जो है वो 13,500 रुपये, कितनी है? 13,500 रुपये। वहीं व्यय कितना है? व्यय 9,000 रुपये है। तो बचत कितनी है भाई? 4,500 की है। बचत कितनी आई? 4,500 की। अब बात क्या कही उसने? उसने बात कही है कि अगर उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि कर दे, देखिए इसमें 14% की वृद्धि कर दे मतलब 13,500 × 114/100 हल कर देंगे, 2 जीरो 2 जीरो जाएंगी, और 135 और 114 गुणा करेंगे तो 15,390 आ जाएगा। तो 14% की वृद्धि करने के बाद जो इसकी नई आय बनेगी वो 15,390 बनेगी। वहीं इसी तरह से अगर हम निकालें इसके व्यय में वृद्धि, 7% की व्यय में वृद्धि, मतलब 9,000 का 7% निकाल के इसमें जोड़ दो तो कितना होगा? 630 आ जाएगा भाई। 963,630 मतलब 9,630 इसकी नई क्या हो गया भैया? नया खर्चा हो गया, नया व्यय हो गया, ठीक है। अगर इसमें से ये घटा देंगे तो बचत आ जाएगी। कितना आएगा भैया? 0, 9 में से 3 जाएंगे 6, 13 में से 6 जाएंगे 7, और यहाँ पर कितने बचे? 14 में से 9 जाएंगे 5। कुल मिलाकर 5,760 रुपये जो है नई बचत आई। पहले बचत कितनी थी? पहले बचत थी 4,500 रुपये, अब बचत कितनी है? 5,760 रुपये। पूछ के रहा बचत में प्रतिशत वृद्धि, और वृद्धि कितने की है? 1,260 की, ठीक है। प्रतिशत वृद्धि देखना तो 1,260 × 100 किस पर है? 4,500 पर। कटाओ जी से, ठीक है भाई। अब यहाँ पर इसे काट दो, किसे? 9 से काट दो, 9 5 45, 9 1 9 बचे 3, 9 4 36,
अब 5 से काट दो भाई, 5 दो 10 और 5 8 40, कुल मिलाकर 28% की जो है वो बचत में क्या आ चुकी है, वृद्धि आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 80। अगला क्वेश्चन आपके सामने पहुंचता हुआ भाई 80वां, क्या कह रहा है 80वां क्वेश्चन। 50 किलोग्राम शीशे और टीन के मिश्रण में 60% शीशा है। 50 किलो अगर टोटल है तो उसमें 60% शीशा है। अच्छा, 100 किलो है और उसमें 60% लगाए तो 60 हो जाएगा 50 से, तो इसका मतलब 30 किलो उसमें शीशा है, ठीक है जी। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। देखिए 30 किलो शीशा है, बात समझे नहीं समझ में आ रहा, तो 50 का 60% निकाल दो भैया, तो कितना आ गया 30, 30 किलो जो है वो शीशा है। अब 50 में 30 घटा दो तो बचा 20, ठीक है, ये बचा 3। उसने कहा इस मिश्रण में कितना शीशा और मिलाया जाए, अभी शीशा ही मिलाना जिससे कि ये 75% हो जाए, तो आगे कितना बचेगा 25%, 25 दिया 75 तो 30 प्लस एक्स बराबर 20 दिया 60, इसका मतलब 30 जो किलोग्राम इसमें और हमें क्या शीशा मिला देना चाहिए जिससे कि ये जो है परसेंटेज कितनी हो जाए भाई 75% हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित करते जाए तो शेष बचे घोल में लवण की प्रतिशतता ज्ञात करनी। देखिए भाई कितना है, 7% था, 12×7% जो का तो रहने दो, अभी हटाओ मत। अब क्या हुआ, उसने 4 लीटर उड़ा दिया। देखिए प्रारंभिक मात्रा गुणा परसेंटेज बटे अंतिम मात्रा लगा दो, आप डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। क्या बताया मैंने, प्रारंभिक मात्रा गुणा परसेंटेज बटे अंतिम मात्रा। प्रारंभिक मात्रा 12 लीटर थी, परसेंटेज 7% था और यहाँ पर अंतिम मात्रा 12 में से 4 गए बचे 8, 4 किया 12, 4 दूनी 8, 21/2 का मतलब 10.5% बनेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 देख लें भाई क्या है। 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी और मिलाया जाए कि सांद्रता 30% रह जाए। 50% अम्लीय है, 50% अम्लीय मतलब 50% का मतलब आधा, 4.5 लीटर जो अम्ल है और 4.5 लीटर ही पानी है, ठीक है। अब उसने कहा कितना पानी और मिलाया जाए, इसमें पानी मिलाना कि ये जो सांद्रता वो 30% रह जाए, ये 30 रह जाएगा तो पानी हो जाएगा भाई 70%, यही तो है, ठीक है। अम्लता 30% रह जाए तो ये हो गया भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4.5×3 + 3x 4.5×7, कुल मिलाकर 3x बराबर 4.5, 7 में से 3 जाएंगे बचेंगे 4, 3 से काटा हमने 1.5 और 1.5 × 60 मतलब 6, यहाँ पर कितना 6 ग्राम और मिला देना चाहिए हमें, ठीक है भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ बढ़ रहे भाई, क्या है क्वेश्चन नंबर 83 क्या है भाई। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, 300 का 40% निकाल दो, 300×40/100, 300×40% कैसे निकालेंगे, 300×40/100 तो 120 ग्राम जो है यहाँ पर चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि घोल में 50% चीनी हो जाए। देखिए 120 ग्राम चीनी है, पानी है 180 ग्राम, अब उसने कहा बराबर करनी, तो देखो 60 ग्राम मिला नहीं भाई, ये दोनों चीज़ बराबर होनी चाहिए, तो 60 ग्राम मिला दो बराबर हो जाएंगे, नहीं समझ में आ रहा तो प्लस एक्स कर दो, बराबर करना भाई 50%, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 120 प्लस एक्स बराबर 180, तो एक्स का मान कितना आ गया 60 ग्राम, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 84 मतलब 84। 3 लीटर चीनी घोल में 40% चीनी है, इस लीटर में 1 लीटर पानी और मिलाने पर नए घोल में प्रतिशतता ज्ञात करनी हमें चीनी की। देखिए वही क्वेश्चन जैसे मैंने क्या बताया था अभी, प्रारंभिक मात्रा गुणा परसेंटेज बटे अंतिम मात्रा, तो प्रारंभिक मात्रा यहाँ पर कितनी है, वो है 3 लीटर, प्रारंभिक मात्रा कितनी है 3 लीटर, परसेंटेज कितना है 40 बटे अंतिम मात्रा, 1 लीटर और डाल दिया 4 हो गया, तो कुल मिलाकर कितना बना भाई 30% इसमें जो है क्या है वो अब 30% हो जाएगी इसमें चीनी की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 क्या, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 क्या भाई। चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है, घोल को गर्म करके 2 लीटर उड़ा दिया गया है,
शेष घोल में कितने परसेंट चीनी है, देखे फिर वही लगा दो परसेंटेज निकालनी। प्रारंभिक मात्रा कितनी है भाई, 12, परसेंटेज कितना है 4, ठीक है, और बटे में अंतिम मात्रा 2 लीटर उड़ा दिया, बचा कितना 10, तो 12 चौक 48 बटे 10 का मतलब 4.8 और परसेंटेज जो का तो चलेगा ये भाई, परसेंटेज हटा थोड़ा ही है, यहाँ भी लगा सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 86, 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलयन में 1 लीटर पानी डालने पर एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी, फिर वही, ठीक है, फिर सेम बिल्कुल, प्रारंभिक मात्रा कितनी थी 5 लीटर थी, परसेंटेज था 40 और 1 लीटर और मिला दिया तो 6 हो गया भाई, ठीक है, तो यहाँ पर 2 से काट दो 2 3 6, 2 से काट दो 20, 20 5 100 बटे 3 मतलब कुल मिलाकर 33 सही 1/3% इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसान काम हुआ है, केवल आपको क्या याद रखना, ये रखना कि प्रारंभिक मात्रा गुणा परसेंटेज बटे अंतिम मात्रा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 की, 50% एल्कोहल वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी और मिलाया जाए कि लोशन में एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए, और ये रिपीट क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 82 और 87 का क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पर सेम मतलब एक ही होते हुए, केवल लैंग्वेज में इतना अंतर है, वहाँ पर अम्लीयता थी और यहाँ पर एल्कोहल है, बाकी कुछ नहीं, सेम है बिल्कुल क्वेश्चन। 82 को करेंगे आप 87 के बिल्कुल सेम स्थान पर। 88 का क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है, सोने तथा चांदी के 50 ग्राम मिश्रण में भार के रूप में 80% सोना है, 50 ग्राम में 80% सोना मतलब 40 ग्राम सोना हो गया भाई, 50 × 80/100 तो 40 ग्राम सोना हो गया, 10 ग्राम अन्य धातु होगी भाई। उसने कहा इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए, सोना ही मिलाना, कि 95% हो जाए, तो 95 रह जाएगा, 5 ही रह जाएगा भैया, तो 19 बार काटा तो 40 + x = 190 कुल मिलाकर कितना 150 ग्राम यहाँ पर और हमें सोना मिलाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई क्या है, सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं, घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। नया भाव, नए भाव की पुराने भाव के हमने फॉर्मूले लिखवा रखे हैं आपको, तो नया भाव निकालना, नए भाव के लिए क्या बताया था भैया, मैंने बताया था परसेंटेज, सबसे पहले जो क्वेश्चन में परसेंटेज दी गई है वो लिख लो कितनी है 25%, फिर बताया था मैंने रुपये लिखने हैं, रुपये कितने हैं 240, फिर मैंने बताया था यहाँ पर किलो कितने हैं 2 किलो, या वस्तु हो तो वस्तु लिख सकते हैं, और यहाँ पर 100 लिखना है, तो 25 चौका 100, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24 कुल मिलाकर 30 रुपये प्रति किलोग्राम, यह है नया भाव, ठीक है जी। और अगर पुराना भाव निकालना हो तो यहाँ पर 100 ± % बता रखा है मैंने, कि अगर वृद्धि होगी तो जोड़ के लिख देंगे, कमी होगी तो घटा के, जैसे इसमें कमी थी तो 75 लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा एक दो क्वेश्चन में क्या है, इन्होंने आंसर गलत दिए हैं, बच्चे बार बार कमेंट करते हैं कहाँ तक उनके जवाब दिए जाएँ, तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि हम यहाँ पर आपको बिल्कुल, अगर गलत होगा तो आपको कमेंट का आंसर बिल्कुल मिलेगा, लेकिन अगर आंसर सही है, हमारा आंसर जो उसने दिया है वो गलत दिया है, मतलब पुराने भाव की जगह नया भाव या नए भाव की जगह पुराने भाव निकाल रखा है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा क्वेश्चन को दोबारा देखें और पढ़ें वो कह क्या रहा, ठीक है जी। चलिए 90वां क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 90 क्या है देखते हैं, यदि मिटाने वाली रबड़ के भाव में 25% की कमी हो जाए तो व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबड़ और अधिक खरीद सकता है, 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी है। देखिए कितनी है, अगर है की बात कर रहा तो मतलब वर्तमान की बात कर रहा, और वर्तमान क्या होता है नया भाव, ये समझने वाली बात है, और अगर वो कहता कितनी थी या कितना था तो इसका मतलब वो पुराने भाव की बात कर रहा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नए भाव की बात कर रहा है, और यहाँ पर देखे क्या है, उसने कहा यहाँ पर उसने कहा कि 25% की कमी, अगर नया भाव निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर नया भाव निकाल रहा हूँ तो 25% की कमी, फिर वही बात है भाई, 25% मतलब सबसे पहले परसेंटेज लिखेंगे गुणा, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर रुपये, कितने रुपये हैं 1 रुपया,
कितना रुपया है भाई, 1 रुपया, ठीक है। उसके बाद है, यहाँ पर मैंने बताया था किलो या वस्तु, वस्तु दे रखी 2 रबड़, रबड़ कितने दे रखी 2, और यहाँ पर कितनी है तो मतलब बटे में 100 लगा दो, तो 25 चौका 100, 4 दूनी 8। देखिए वास्तव में तो 1 रुपये में 8 वस्तुएँ, 8 रबड़ इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन इसने गलत किया है। यहाँ पर इसने क्या है, इसने पुराना भाव निकाल रखा और दे रखा होगा इसका एक में, देखो क्या आता है भाई, 25 गुणा 1/2, यहाँ तक तो सेम थी, केवल यहाँ पर कमी है तो घटा के लिख दो 75। भाई 25% की कमी है तो 25 को घटा दो 100 में से, तो 75 बचा, 25 से 75, तो 1/6, मतलब 1 रुपये में 6 रबड़, ये आंसर दे रखा है। अब बच्चे बार बार कमेंट करते हैं, तो मैंने दोनों ही चीज़ निकाल के दिखा दी, जबकि मैं फिर बता रहा हूँ, अगर है, उसने कहा क्या भाव है, क्या भाव है, इसका मतलब वो वर्तमान की बात कर रहा है, और क्या भाव था, या वो पूछ ले कि वृद्धि होने से या कमी होने से पूर्व क्या भाव था, तब उसको वो पुराने की बात कर रहा, लेकिन यहाँ लैंग्वेज में इसने नए की बात करी, जबकि आंसर दे दिया है इसने पुराने भाव का, ठीक है जी। चलिए मैंने दोनों ही बता दिए, आप संतुष्ट चाहिए मैं तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में 33 से 1/3% की कमी होने पर 1 रुपये में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती हैं, घटने से पहले वस्तु का कम मूल्य कितना था। देखिए अगर कुछ बच्चों कन्फ्यूजन तो इस क्वेश्चन में समझ लो ना, देखो यहाँ क्या आया, था आया तो पुराना भाव है, पहले में है आया तो नया भाव है, अब वो वहाँ पे भी नया, मतलब नई की जगह पुराना निकाल रहा और पुराने की जगह पुराना निकाल रहा, तो ये बात थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पर हमें निकालना पुराना भाव क्या है, 33 से 1/3 का मतलब 100/3% होगी, रुपये होगी भैया, 1 वस्तु होगी 4, ठीक है, और यहाँ पर 33 से 1/3 को 100 में से घटाना पड़ेगा, तो 100 या 300, 200/3 आ गया, ये 3 से 3 गया भाई, 2 जीरो 2 जीरो गई, इसका मतलब 1/8, कुल मिलाकर 1 रुपये में कितनी 8, 1 रुपये में 8 कितना, 1 रुपये में 8 वस्तुओं का हिसाब किताब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 91 का आया। 92वां क्वेश्चन देखो भाई क्या है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं और अभ्यर्थी 40 अंक मिलते हैं और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है। भाई 40 तो मिले, 30 से फेल हो गए, मतलब अगर उसे 30 और मिल जाते तो पास हो जाता, इसका मतलब 30 को 40 में जोड़ दो तो पासिंग मार्क्स कितने हो गए, 70, पासिंग मार्क्स कितने हो गए 70, और उसने कहा कि 35% थे ये कितने थे, 35% में पास होना था, लेकिन वास्तव में कितने नंबर बनने, 70, तो यहाँ पर पूर्णांक अधिकतम की बात कर रहा, मतलब 100% की बात कर रहा, तो कुल अंक आ जाएंगे, पूर्णांक आ जाएंगे 35 दूनी 70 और 100 दूनी 200, इसका मतलब उसके जो हैं वो कितने, 200 अधिकतम अंक यहाँ पर उसके हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 93, किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक है, पहले 35% दिए, क्वेश्चन नंबर 92 में 93 में 40% दें, एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त करे और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, अधिकतम बिल्कुल सेम, भाई 185 तो मिल रहे हैं और अगर 15 मिल जाते तो पास हो जाता, तो 185 में 15 जोड़ दो, 200 तो मिले और ये 40% के बराबर होने चाहिए थे, अगर 15 अंक और मिल जाते 185 की बजाय उसे 200 मिल जाते तो 40% बनते और 100% पूछ रहा कुल अंक, तो 40 × 5 = 200, कुल कितने हो गए भाई 500। क्वेश्चन नंबर 94, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के उत्तीर्ण प्रतिशत 35 और 40 हैं, एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए और 117 अंकों से अनुत्तीर्ण, बिल्कुल सेम बात है भैया, 483 तो मिले और 117 से फेल हो गया, मतलब 600 अंक अगर मिलते तो पास हो जाता कौन, लड़का, लड़के की परसेंटेज कितनी रखी पास होने के लिए, 40% और लड़कियों के लिए कितनी है 35%, भेदभाव है भाई, यहाँ तो कुछ ऐसा होना नहीं चाहिए कि भाई लड़के के लिए जो है 40% लड़के के लिए 35% गलत है, बराबर होना चाहिए, चाहे 35 हो चाहे 40 हो, चलो खैर हमें तो क्वेश्चन करना, लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक, उन्हें तो 35% चाहिए भैया, बराबर गर्ल्स के लिए निकाल देंगे, यहाँ पर 0 से 0 गया, 4 से काट दिया 15 बार, तो गर्ल्स के नंबर कितना आना चाहिए भाई,
पंद्रह पंजे 75 मतलब 7 और 15 45 और 7 52 कुल मिलाकर 525 नंबर अगर आ जाए लड़की के तो वो पास हो जाएगी। कितने? 525। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 95। कौन सा होगा? 95। किसी परीक्षा में ए और बी का अधिकतम अंक 60% और 30% अंक प्राप्त हुए हैं और इनके अंकों का योग 783 है, परीक्षा के कुल पूर्णांक बताने हैं। देखिए, एक को 60 मिले, एक को 30 मिले, मतलब 90% बन गए और ये है 783। कितने हैं? 783। हमें 100% चाहिए तो कुल पता लग जाएंगे भाई। 00 गया, 972। कितने बचे? 697। तो इसका मतलब कुल अंक जो है वो कितने होंगे? 870 बनेंगे। कितने बनेंगे? 870 बनेंगे। 96 देखो भाई क्या है, किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित किए गए और योग्य अभ्यर्थियों में 85% अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्ग के हों तो कुल कितने अभ्यर्थी थे? देखिए, टोटल जो अभ्यर्थी थे उनमें 5% अयोग्य हो गया, मतलब 95 बचे। ठीक है, और जो योग्य थे उनके 85% सामान्य वर्ग के थे, मतलब जो अन्य वर्ग के थे वो कितने थे? 15%। और वो ही बराबर दिए हैं 4275 के। किसके बराबर दिए? 4275 के। अब जितने परसेंटेज यहाँ लिखे हो तो नहीं यहाँ लिखे तो भैया, और ये टोटल आ जाएंगे, मतलब कुल क्या आ जाएंगे। ठीक है भाई, अब 15 से 8 2 15 2 30 बचे 12, 15 8 120 और 15 5 75। ठीक है जी, अब अगर मैं 3 बार काट दूँ इसे तो देखे 3 बार पूरा पूरा कट रहा भैया, 3 5 15 5 कहाँ से लिखोगे? 9 3 27 1 28 बिल्कुल सही हो गया भैया। तो इसका मतलब कुल अंक, कुल की बात करूँ यहाँ पर तो टोटल कितने हो जाएंगे भैया? 3 के सामने 2 और 2 4, 4 0 लगा तो 30,000 बन जाएगा कुल मिलाकर। ये क्या है? कुल जो है यहाँ पर अभ्यर्थियों ने कितनों ने आवेदन किया? 30,000 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 97, क्वेश्चन नंबर 97 आ गया है। 97 चलो भाई 97 में देख लो क्या है। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब जिसके 30% अंक आ रहे हैं वो 5 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो रहा है। एक अन्य अभ्यर्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं ये बताने। देखो, एक को 30% अंक मिले, एक को 40% अंक मिले, कुल मिलाकर दोनों का अंतर कितना आ रहा भैया? 10%। लेकिन नंबरों का अंतर की बात करें, एक है फेल, एक है पास, एक 5 नंबर कम मिलने एक को और एक को 10 नंबर ज़्यादा मिले, इन्हें जोड़ दो भैया। तो कुल मिलाकर ये जो 10% है वो 15 के बराबर है। अब हमें चाहिए है क्या? उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक। अब पहले वाले के निकाल लें, अगर हम पहले वाले के निकाल लें तो उसे 30% अंक मिले। 00 गया, मतलब पहले वाले को मिलेंगे 15 3 45 अंक, लेकिन ये 45, इसे पहले वाले को नंबर तो 45 मिले, 5 नंबर से फेल था, 5 जोड़ दो तो मतलब पास होने के लिए 50 अंक होने चाहिए थे। अच्छा, दूसरे से भी निकाल सकते हैं भाई, ऐसा नहीं कि पहले वाले से निकाल लें, 10% बराबर 15 के। अब दूसरे वाले को मिले 40% अंक, तो 15 चौका 60, उसे 60 अंक मिले, लेकिन ये 10 नंबर ज़्यादा लेकर आया था तो 10 घटा दो इसके, हमें तो पास चाहिए ना, तो पास कितने पे हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया 50 पे हो जाएगा ये पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 98 क्या है? एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया था, 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, दूसरे ने 52% अंक प्राप्त किए और 24 नंबर अधिक लाया, उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक? अब इस बार परसेंटेज बताना है बस। देखें, एक को 30% मिले, एक को 52% मिले, दोनों का अंतर 22% के आ गया। एक 108 से अनुत्तीर्ण रहा, दूसरा 24 से पास हुआ, तो 108 में 24 जोड़ दो, 132 हो गया। ठीक है भाई, अब पहले वाले के यहाँ पर, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, पहले वाले नंबर चाहिए थे तो नंबर निकाल ले, इस बार परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज निकाल दो। 108 नंबर को देख लो कितने परसेंट के बराबर बनेंगे ये, तो 22 छक्का 132 और 6 कम 6 कितने बचे भाई? 4
और यहाँ पर हो गया 6 6 48, इसका मतलब 18% से पहले वाला फेल है। अगर 5% की बात करें तो पहले वाले को 30% मिल लेते हैं और 18% से फेल था, तो 18% और मिल जाते, कुल मिलाकर 48% से ये पास है। बिल्कुल सेम जैसे हमने इससे पहला क्वेश्चन किया उसमें नंबर निकाले थे, दूसरे से भी निकाल सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। 99वां क्वेश्चन क्या है भाई, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे और 178 अंक प्राप्त किए, 22 अंकों को संतुलना कुल अंक। दो तीन क्वेश्चन ऐसे हो चुके हैं, देखिए 40% अंक कब बनेंगे, तब बनेंगे जब 178 में 22 जुड़ेगा। 178 और 22 कितने हो गए भाई दोस्तों, हमें चाहिए टोटल अंक, तो 100% होते हैं कुल मिलाकर 40 200, कुल अंक कितने आ जाएंगे भैया, ये आ जाएंगे कुल अंक कितने 500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 100। कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है भाई। देखो भाई 100वां क्वेश्चन क्या है, 100वां क्वेश्चन है, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, उसने 4 विषयों में से 3 विषयों में 81 66 और 61 अंक 61% अंक मिले, चौथे विषय में कितने परसेंट अंक मिले। देखिए भाई 70% का मतलब हर पेपर अगर 100 नंबर का था तो हर पेपर में 70 70 नंबर आए, 70 के अगर 4 में गुणा कर दो तो टोटल नंबर पता लग जाएंगे। पहले विषय में 81 नंबर आए, दूसरे में 66 आए, तीसरे में 61 आए, चौथे में देख लेंगे कितने आए। महल करना 6 7 1 8, 6 2 12 8 20, और यहाँ पर आ गया 7 4 28 280, 280 में से है और 208 घटाना, मतलब 80 में 60 ही घटाना तो कितने बचे 72, तो 72% नंबर जो है उसके बने हैं। चलिए भाई एक क्वेश्चन और कर दें, 101 यहाँ पर ही क्या है, एक परीक्षा में 900 लड़कियाँ और 1100 लड़के हैं, इनमें से 40% लड़के और 50% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। फेल पूछ रहा, फेल का परसेंटेज चाहिए, ठीक है। देखो 900 लड़के लड़कियां हैं और 1100 लड़के हैं, टोटल कुल मिलाकर 2000 हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कितने हैं भाई, 40% लड़कियां पास हैं तो फेल कितनी है 60%, परसेंटेज लगा रहे हैं दो जुगा दो। 50% लड़के उत्तीर्ण तो फेल कितने हैं 50%, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखें 2 और 1 3, 2 और 1 3 मतलब 1000, 3 0 बाहर आ जाएंगे तो 9 6 54, 11 5 55 बटे 2000, यहाँ परसेंटेज जो तू लगा दो भाई, मना 109 बटे 2 का मतलब 2 5 10, 2 4 8, ठीक है जी, और 2 5 10 कुल मिलाकर कितना आ गया भाई 54.5%। क्वेश्चन नंबर 101 का यहाँ पर क्या बनना है, आंसर बनना है कितना 54.5, और ये किस ऑप्शन में आपके तीसरे ऑप्शन में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 100, देखो भाई आज हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन देखे हैं वो कहाँ से 48 से 101 तक के देख लिए। अगली वीडियो में कोशिश करेंगे हम जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के प्रतिशत के चैप्टर को पूरा समाप्त एक साथ करने की कोशिश करेंगे इससे अगली वीडियो में। चलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं, जो भी चैप्टर कराते हैं उसका एक एक क्वेश्चन कराते हैं, और अभी तक आपने बहुत सारे चैप्टर देख लिए हैं। अगर अभी तक वो चैप्टर नहीं देखे तो आप फुल जो चैप्टर की प्लेलिस्ट है उसमें जाइए और वहाँ पर आपको वो सभी चैप्टर मिल जाएंगे, उनका भी आनंद ले सकते हैं। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद।